गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पुणि थरे स्वागत करुछि आपनमानकु एमके ओडिया टेक न्यूज चैनल को। आज होछि 29 तारीख बुधवार। तबे जानतु आज सकाळ रो आकुटी मुख्य खबर पर नजर पकाइबा। तबे प्रथम खबर टी आसुछि ओबीटीसीएल रे बड़ घटना रो पर्दाफाश। दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर रो एवं अयोग्य घोषित ठिका कंपनी मधुचंद्रिका टेंडर फिक्सिंग रो संगीन अभियोग। अभियोग रो प्रकाश ओपीटी सेल 2018 मसीहा रे टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड थामरा कियाकटा और दसपल्ला थारे तीनोटी 220, 132, 133 केवी रो ग्रिड सबस्टेशन और लाइन निर्माण ठिका काम नेथिले। 2019 रे सेही कंपनी को बालियंतारे एक गैस इन्सुलेटेड ग्रिड सबस्टेशन निर्माण पई काम भी देथिले। एपरी एक मोड 429 कोटी टंकार काम ओपीटी सेल रो नेथिबा टाटा प्रोजेक्ट्स 3 वर्ष मध्यरे गोटिए भी काम शेष करिनाही। सब विद्युत काम गुड़िक गुरुत्वपूर्ण होइथिले भी अधा पंतरिया अवस्थारे पड़िछि। एही कारणरु टाटा प्रोजेक्ट्स रो कार्यदक्षता मूल्यायन करिथिले ओपीटीसीएल। तेबे 30 पॉइंट रु कम पाइबारु टाटा प्रोजेक्ट्स को ओपीटीसीएल 2020 जानुआरी रे नुआ टेंडर रे भाग नेबाकु निवृत्त करिथिले, किंतु मात्र केइटा मासरे दक्षता नथिबा अयोग्य कंपनी को नुआ टेंडर देबाकु ओपीटी सेल किछि दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर लागि पड़िछंती। एथिपई कंपनी रो दक्षता रिपोर्टर को बदला दिए जेतिबा अभिजोग करिछि ओडिसा राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ। तेबे परवर्ती खबर ते आसुछि ई श्रम कार्ड नामरे आदाय होछि टंका। केन्द्र सरकार को योजना रो एक अंश कुआ जाउतबा ए ई श्रम कार्ड द्वारा हिताधिकारी माने कोन कोन सुविधा सुजोग पाइबे से नै कहा पाखरे किछि तथ्य नथिले भी समस्ते एबे ई श्रम कार्ड पाई पागल। एथिपई विभिन्न जनसेवा केंद्र और साइबर कैफे और कंप्यूटर दुकान गुड़िक प्रबल भीम जमी। एथिपई लोकमानक ठारु किए 100 टंका तो आउ किए 1300 टंका लेखाएं आदाय करछंती। ए संपर्क रे जिला श्रम अधिकारी सूर्य नारायण माळी को पचारिबारु से कहिछंती जे एहा केंद्रर किछि योजना होइथै पारे, किंतु आम पाखरे ए संपर्क रे किछि भी सूचना नाही। आमको किछि भी सूचना मध्य मिलिनी, तेणु ई श्रम कार्ड रो उपकारिता आमे किपरि जानिबो बोली से कहिछंती। जदि कहा पाखरे एपरि किछि खबर नाही तेबे भी एही ई श्रम कार्ड प्रस्तुति को बंद करा जाउ नाही काहे के बोली किछि बुद्धिजीवी माने प्रश्न करिछंती। तेबे परवर्ती खबर ती आसुछि आकाश छुआ परिवार दर अस्तित्व को किछि भी नाही। एही समय रे परिवार दर आकाश छुआ होछि जहा को नै असंतोष व्यक्त करिछंती ग्राहक। सब परिवा किलो प्रति 50 रु 80 टंका मध्यरे रहिछि, आउ किछि परिवार दर तो एबे 100 उपरे। पनीपरिवा चढ़ा मूल्य थिले मध्य आवश्यकता हेतु लोके विभिन्न हाट बजार रे भिड़ लगाइथिबार देखिबाकु मिलिछि। एही क्रम रे जाजपुर जिल्लार प्रमुख पनीपरिवा व्यवसाय पेंठ बारवाटी बजार मध्य पनीपरिवा आकाश छुआ होइछि। तेबे परवर्ती खबर ते सूची ओडिसा मॉडल को अपनाइले 9 राज्य और 4 केन्द्र शासित अंचल। प्राकृतिक विपर्य मुकाबिलारे ओडिशा रोल मॉडल। 21 वर्ष धरी बात्या बन्या मरुड़ी को राज्य जेपरी सफलता सह मुकाबिला करिछि ताकु सारा विश्व प्रशंसा करिछि। एथिपई ओडिशा को 9 राज्य 4 केन्द्रशासित अंचल अनुकरण करिछंती। सेमानकु विपर्य मुकाबिला शिक्षा देबा पई ओडिशा को लाल बहादुर शास्त्री जातीय प्रशासनिक एकेडमी मनोनीत करिछि। कालीठारु 3 दिन धरी भुवनेश्वर रे अन्य राज्य रे प्रशासनिक अधिकारी प्रशिक्षण नेबे। एबे परवर्ती खबर टी आसुछि कृषक मानकु उपहार देले प्रधानमंत्री मोदी, उत्सर्ग कले 35 नुआ किसमर फसल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 35 नुआ किसमर फसल चाषीको उत्सर्ग करिछंती। एही अवसरले प्रधानमंत्री मोदी कहिछंती जे चाषीको फसल सेतेबे बढ़िथाए जेतेबे सेमानकु सुरक्षा और संरक्षण इलिथाए। सुरक्षा एवं संरक्षण पाइले कृषि द्रुतगतिर आगकु बढ़े। चाषीक जमीर सुरक्षा पाई सरकार समस्त उद्यम करिछंती। सरकार 11 कोटी मृत्तिका स्वास्थ्य कार्ड जारी करिछंती जहाँ फलरे कृषक माने माटीर स्वास्थ्य विषय जानिपारे। तेबे परवर्ती खबर टी आसुछि बीजेपी दाबी रहिला उपनिर्वाचन शेष जाए धारा 144 जारी हेला। पश्चिमबंगर भवानीपुर उपनिर्वाचन पूर्वरु बीजेपी करिथिबा दाबी शेषरे कार्यकारी होइछि। प्रचारर शेष दिनरे उत्तेजना प्रकाश पाइथारु बीजेपी निर्वाचन कमिशनरकु भेटी भवानीपुररे मतदान शेष जाए 144 धारा लागू करिबाकु दाबी करिथिला। आज निर्वाचन कमिशन एहाकु कार्यकारी करिछंती।
144 ধারা লাগু হইতিবারু 4 জনরু অধিক লোক গোটিয়ে স্থানরে একাঠি হই রহি পারিবে নাহিঁ। পরবর্তী খবরটি আসুছি শ্রমিকঙ্କ ପାଇଁ খুশি খবର। ଏହି ସରକାରୀ ସ୍କିମରେ 2 ଟଙ୍କା ଜମା କରି 5-36,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମ ଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯୋଜନା। ଏହି ସ୍କିମକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ 55 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 18 ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ବାର୍ଷିକ 36,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 40 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହି ସ୍କିମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସରେ ତାଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପୁରା ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ 36,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ପେନସନ ମିଳିବ।